हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई व्हीकल टेक्निकल गुरुजी में स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ये लेड एसिड बैटरी का चार्जर है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जो कि 60 वोल्ट 4 एम्पियर आउटपुट करता है। ये इसमें फॉल्ट क्या है मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये आउटपुट नहीं करता है। देखिए, मैंने आउटपुट में लगा रखा है इसको, पर इसकी जो लाइट है ये आउटपुट नहीं कर रहा है, ये हरी की हरी बत्ती जली रहती हैं। आइए इसमें क्या कमी है मैं आपको दिखाता हूँ। जो मुझे एक नया फॉल्ट मिला था इसमें, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। जब इसको हम चेक करते हैं तो एक USM करके एक डायोड लगा हुआ है SMD में, तो ये ट्रांसफार्मर की लास्ट वाली ये पिन रहती है, इस पर लगा रहता है ये। तो ये देखिए, ये शॉर्ट है, इस वजह से इसका पूरा वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा और चार्जर चार्ज नहीं कर रहा है गाड़ी को। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्जर पूरी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें हम USM1 का डायोड लगाएंगे। यही है, चलिए दोस्तों अब लगा देता हूँ मैं इसमें। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि यह डायोड शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू शो हो चुकी है। अब इसका मैं कवर लगा देता हूँ। अब इसको हम आउटपुट पर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये आउटपुट सही तरीके से आउटपुट नहीं कर रहा है, अभी ये ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है वो भी चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट शायद 100 UF का है, तो ये फूला हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे और तब देखेंगे
हमारा चार्जर चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, सीखते रहिए ऐसे नए नए फॉल्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 वोल्ट 100 UF का है जो पूरी तरीके से ख़राब है। अब इसमें मैं नया लगा देता हूँ, जो कि जो डायोड मैंने लगाया था उसी के पास में ये कैपेसिटर लगा हुआ था जो कि खुला हुआ था। तो गाइस कैपेसिटर को लगा दिया हूँ 50 वोल्ट 100 UF का। चलिए इसको चेक करता हूँ अब मैं। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों चार्जर हमारा ऑन हो चुका है, जो कि एक डायोड खराब था और एक कैपेसिटर और एक ये डायोड। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।